कि जब पूरे भारत में जब चल रहा था कि कसम राम की खाते राम मंदिर वहीं बनाएंगे, अयोध्या में मंदिर बना की बात हुई, राम मंदिर तो उधर उसने खाली पाई आई थी भी नहीं हुई ना, कुछ हुआ नहीं अयोध्या में। तो गुरुजी ने ऐसा सोचा कि उधर तो नहीं बना, अब मैं तो इधर बनाऊं, 3.5 करोड़ रुपया लगेगा इसका, तो कैसे बनाएंगे, तो एक स्कीम निकाली। सो गाइस, मैं अभी भावेश भाई के साथ जा रहा हूँ चॉकलेट बाबा से मिलने। सुना मैंने कि उनके पास अनलिमिटेड चॉकलेट है यार, मतलब वो निकालते जाते खत्म ही नहीं होता। सो गाइस, राइड फॉर कृष्णा के एपिसोड 7 में आप सबका स्वागत है। अपनी इस 19,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान मैं फिलहाल गुजरात के अंदर राइड कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में एशिया के रिचेस्ट विलेज माधवपुर को एक्सप्लोर करने के बाद मैं वांधाय गांव पहुंच गया। वांधाय कच्छ जिले का एक छोटा सा गांव है और इसी गांव में मौजूद उमिया माता आश्रम में मुझे रहने के लिए एक कमरा मिल जाता है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे इस गांव के अंदर मैं मिला एक चॉकलेट बाबा से जिनके पास अनलिमिटेड चॉकलेट निकालने का पावर है। फिर आप जानेंगे राम मंदिर के बारे में, जो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था उसके बाद एक राम मंदिर का निर्माण किया गया था। अयोध्या में तो निर्माण हो नहीं पाया, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए गुजरात के इस गांव में राम मंदिर का निर्माण किया गया था। बहुत शॉकिंग है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बट फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, मैं आपसे एक छोटा सा अपील करना चाहता हूँ। ये 19,000 किलोमीटर की राइड आसान नहीं है भाई, बिल्कुल भी। आपको पता है रोज मैं कुछ सिंपैथी गेन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि रोज मैं क्या चीज देख रहा हूँ, किस सिचुएशन के थ्रू मैं जा रहा हूँ। रोज 10 से 12 घंटे की राइड होती है, कभी 8 घंटे होती है, कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे की हो जाती है। फिर उसके बाद कमरा ढूंढ के मुझे फिर एडिट करना पड़ता है, रोज का तीन चार घंटे का एडिट होता है तो। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें पैकिंग वैकिंग करना, सोना वोना, वो सब मैनेज करता हूँ। अकेले राइड कर रहा हूँ। क्यों राइड कर रहा हूँ? सिर्फ एक कारण है, एक पर्पस है। वृंदावन में भगवान कृष्णा के लिए वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेंपल बन रहा है, 700 फीट का, बस उसके फंड रेजिंग की राइड है यार। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी से मंदिर के निर्माण में इतना सपोर्ट मिले कि मतलब उनको भी लगे कि हाँ यार, ये जो कम्युनिटी है राइडर्स की कम्युनिटी, इसमें दम है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग जाएं, इधर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक में जाके आप डोनेट कर सकते हैं मंदिर के निर्माण में। 100 रुपये से डोनेशन स्टार्ट है, 100 रुपये से लेके आप 10 स्क्वायर फीट तक डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर फीट का दाम है 2100 रुपये। आप अगर उतना सामर्थ्य नहीं है तो आप 100 रुपये डोनेट कर सकते हो, 500 रुपये डोनेट कर सकते हो। बट अगर आप एक स्क्वायर फीट डोनेट करते हैं तो आपको मंदिर की तरफ से 56 भोग का प्रसाद आपके घर पर भिजवाया जाएगा। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में अभी मैं देख रहा था बोल रहे थे कि फ्रॉड है, तुम हॉस्पिटल बनवाते, तुम स्कूल बनवाते तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते। तो भाई आप सबको ये बता दो कि ये जो मंदिर है रोज़ 1,25,000 बच्चों को खाना खिलाती है, ठीक है। इनके पास गौशाला है जिसमें कि 500 से ज़्यादा गायों का ख्याल रखा जाता है, देखभाल किया जाता है उनका, डेली का खाने का पीने का, और बहुत कुछ करती है मंदिर यार। अभी मैंने बस 2 चीज़ गिनाए हैं, आगे आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें आपको गिनाऊंगा मैं। बस हाथ जोड़ के यही अपील है, मैंने अपने लिए आज तक अभी कुछ नहीं मांगा आपसे, आप लोगों ने इतना प्यार दिया बहुत है मेरे लिए, बट इस बार आपके भाई को ज़रूरत है यार, इस बार सच में ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक प्रण लिया है कि हम इस मंदिर के निर्माण में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। प्लीज़ जाओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में, लिंक पर क्लिक करो और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो। हरे कृष्णा। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं जो है फिलहाल कल जब आया यहाँ पे तो मेरा कुछ प्लान नहीं था इधर रुकने का, बट मुझे रास्ते में एक बोर्ड दिखा आश्रम का। अब मैं रहने के लिए अपना ठिकाना ढूंढ रहा था तो मेन हाईवे छोड़ के मैं गांव वाले रास्ते में चला गया। अब गांव वाले रास्ते में ये मुझे आश्रम दिखा, ये सामने आश्रम था, उधर मैं रुका हुआ था। जब ये चाय के साथ जो है नाश्ते में हमारे पास आया है पापड़ी, और इसको बोलते हैं गाठिया। सो गाइस, मैं अभी भावेश भाई के साथ जा रहा हूँ चॉकलेट बाबा से मिलने। सुना मैंने कि उनके पास अनलिमिटेड चॉकलेट है यार, मतलब वो निकालते जाते खत्म ही नहीं होता, और सुना वो बहुत गुस्सैल भी हैं, तो वहाँ पर शूट करना मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ कैप्चर कर पाऊँ, मजा आएगा। अभी ये गाय जो है कौन सी ब्रीड है आपकी? कच्ची गाय, बन्नी विस्तार करके जगह है उधर के, भैंस और भैंस वो बहुत ऐसे अट्टे करते। अरे यार, मैं रास्ते में देख रहा था वो तो, मतलब सींग इतने बड़े बड़े यार, मतलब मार दे तो खत्म आदमी खत्म। वाह यार, कितना सुंदर गांव है, देखो वांधाय गांव को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। देख रहे हो कितने सारे विंडमिल्स है यार, कितने सारे विंडमिल्स है इधर। तो यहाँ पे बेसिकली विंड एनर्जी को यूज करके यहाँ पे बिजली पैदा की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हवा का जो है स्पीड बहुत तेज है। आप अगर नॉर्मल प्लेन वाले एरिया में है वहाँ पर भी बहुत तेज हवा बहती है, आपको ज़्यादा हिल पे जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको वहाँ उस विंड एनर्जी को हार्नेस करने के लिए यहाँ पे विंडमिल लगाया गया।
ये सामने जो है दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। अब दत्तात्रेय भगवान जो है वो बहुत ही पावरफुल भगवान है, जिनमें की सारे देवी देवताओं की शक्तियाँ होती है। मैं ऊपर जाके थोड़ा सा और आपको बताता हूँ डिटेल उनके बारे में। So guys, ये जो है कुटिया है बाबा जी का, जो कि चॉकलेट बाबा है। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति, बहुत ही मतलब बहुत जगह मूर्ति नहीं है इनकी, बहुत ही कम जगह है। और बोलते हैं कि भगवान दत्तात्रेय तीनों देवताओं के अंश है। तो जो ऋषि अत्रेय थे और माता अनुसुईया, उनको मतलब त्रिदेव ने उनको एक वरदान दिया, तो हम तीनों देवताओं के अंश से मिल के एक पुत्र पैदा होगा, तो उनको भगवान दत्तात्रेय बोला गया, जिसमें कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश शिवशंकर भगवान का तीनों का अंश है। तो यहाँ पे ये मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है यार। सामने चारों तरफ से विंडमिल से घिरा हुआ, हमारे चॉकलेट वाले बाबा। मंदिर के जस्ट सामने ऐसा सनसेट होता है, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है देखो। बात बात नहीं करते आज। ठीक है बाबा, प्रणाम। अरे यार कुछ बोलते ही नहीं यार। भाई गुस्सा नहीं हुआ यार, बता रहा था भावेश की जब बाबा जनरली गुस्सा हो जाते हैं। तो ये था हमारा दत्तात्रेय भगवान और बाबा जी से मिलन का छोटा सा मोमेंट। मेन मोमेंट कैप्चर हो गया ना बस चॉकलेट देते हुए। सो गाइस, ये आपको जितने भी दिख रहे हैं पेड़ वेड़, इसको क्या बोलते हैं भावेश? बावलिया। इसका नाम बावलिया है। और ये मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब यहाँ पे एकदम मरुस्थल था, कुछ नहीं था, यहाँ पे डिजर्टेड एरिया था, तब इंदिरा गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने हेलीकॉप्टर से सीड्स मतलब बीज फेंकवाए थे यहाँ के खेतों में। तो जहाँ जहाँ पड़े उसके बाद बारिश हुई और ये सब ऐसे ही उग गए। इसलिए किया गया कि थोड़ी बहुत देर ग्रीनरी रहे, बिल्कुल ऐसे सपाट बंजर जमीन ना रहे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी इसके बारे में। सारे आसपास देखो बावलिया ही बावलिया है, कितने सारे बावलिया उगे हुए। ये तो पूरे बहुत सारे एकड़ में जंगल है, पूरा जंगल है बावलियों का। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ राम मंदिर। यहाँ पर एक राम मंदिर है तालाब के पास, जिसकी बड़ी फेमस कहानी है। क्या हो दादी, चलोगे? चलो चलो राम मंदिर घूम के आते हैं। चलो आ जाओ, बैठ जाओ जल्दी आते हैं फटाक से। बैठो जल्दी। क्या पापा से? नहीं बोले, ये पापा है। हाँ। अरे बोल देना भैया साथ के, आ जाओ जल्दी आ जाओ, फटाक से चलते आ जाओ। क्या मंदिर है? राम मंदिर। आ जाओ बैठो। क्या पापा ने पूछी आवे? हाँ। पाले, पाले। ना? कोई बात नहीं, चलो। तो गाइज ये है श्री राम जी का मंदिर। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की, बोलो जय श्री राम। जय सिया राम। क्या शानदार मूर्ति है यार, क्या शानदार विग्रह है, देख रहे हो कितनी खूबसूरत है। राम जी इधर, लक्ष्मण जी इधर, सीता जी, गणेश भगवान, हनुमान जी। सो गाइस, यहाँ मंदिर के सामने मुझे रोहित भाई मिले हैं, जो कि यहाँ पर पुजारी भी हैं, और ये थोड़ा सा हमें बताएंगे टेंपल की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये बना। 93 में बना, बट कैसे बना उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 89 में हमारे जो गुरुदेव थे वालदास जी महाराज, जिनकी स्मारक इधर ही है जी, उनको ऐसा लगा कि जब पूरे भारत में जब चल रहा था कि कसम राम की खाते राम मंदिर वहीं बनाएंगे, अयोध्या में मंदिर बनाने की बात हुई थी, तब आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी ये जब कच्छ में आए, ये गुजरात भ्रमण के लिए, जब मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपया
तब उनको कच्छ से और गुजरात से मिले थे इन लोगों को, और जब उनका एक प्रण था कि राम मंदिर उधर बनेगा, फिर राम मंदिर तो उधर उसने खाली पाई आई थी भी नहीं हुई ना, कुछ हुआ नहीं अयोध्या में, तो गुरुजी ने ऐसा सोचा कि उधर तो नहीं बना, अब मैं तो इधर बनाऊं। तो इसने तब गुरुजी के पास इतना पैसा नहीं था, तो गुरुजी ने सोचा कि मंदिर बनाना है तो अब कैसे बनाएंगे, तो उसके जो अनुयायी है गुरुजी के बहुत है पूरे भारत के अंदर, तब उसने ऐसा बोला कि मंदिर का खर्च लगभग 2.5-3 करोड़ रुपया लगेगा इसका, तो कैसे बनाएंगे, तो एक स्कीम निकाली कि 3600 रुपये की स्कीम निकाली कि 12 महीने में 3600 रुपया देने का एक आदमी को, पर ये ऐसी स्कीम निकाली। अने फिर गुरुजी जब निकले ना पूरे भारत में ये मंदिर के लिए, तो स्कीम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, अने तभी 4 करोड़ रुपये उनको मिल गए जब मंदिर बन गया 93 में जब बन के तैयार हुआ। ऐसे उनका जो सपना था वो हुआ पूरा, और वो तीन महीने के बाद गुरुजी का शरीर शांत हो गया और उसने समाधि ले ली, इधर बाजू में मंदिर है उनका, और उसमें से होते हैं चॉकलेट बाबा, इनकी क्या कहानी है? वो भी उसको भी मैं तो सब छोटा था, वो भी गायत्री उपासक बहुत बड़े, अच्छा, आज से 32 साल पहले उमिया माता जी संस्था में पहली बार आए और इधर बैठते थे, मेरे पिताजी उधर 50 साल से अभी कल ही निवृत्त हुए, इधर पूजा करते थे और ये बापू इधर रहते थे, पिताजी को बोला मैं इधर रहूं, भले रहो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं, भक्ति करते थे। फिर धीरे धीरे ये गांव लोग है ना, वो लोग उनको मंदिर दत्तात्रेय भगवान का उधर सौंपा, वो गायत्री उपासना करते हैं, और गायत्री की उपासना में ऐसा है कि गायत्री की उपासना 12 साल कर लो ना तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है, तो उनको एक सिद्धि प्राप्त हुई। तो चॉकलेट बाबा इसलिए बोलते हो, कितने भी लोग आए चॉकलेट खत्म नहीं होती, तो गायत्री की उसको एक उपासना है, उसकी बहुत पूरा सिद्धि है, सिद्धि है उसके पास, एक तपस्वी मूर्ति है, क्योंकि 32 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, और इससे पहले मैं उसे हम तो छोटे थे सब देखा था, दो बस पूरी पूरी एक ही खींचे में से दिया, खत्म नहीं हुई चॉकलेट, दो बस को खिला दिया, हाँ मतलब एक ही जेब से निकालते रह जाते वो, हाँ खींचे में से देते सब, खत्म नहीं होता ना, कभी खत्म नहीं होता। और बहुत सो गाइस, ये है मतलब गांव में जाके अगर ऐसे एक्सप्लोर करने पे ये सारी स्टोरीज निकल के आती हैं यार, बहुत अच्छा लगा रोहित भाई से मिलकर और बहुत इतने डिटेल नॉलेज दी अपने को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय उमिया माता, जय उमिया, जय हो।